चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चंस की। काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो फॉलो होता है ज्योग्राफी के अंदर। दीज क्वेश्चंस आर व्हाट, वेयर एंड व्हाई। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट? नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल कल्चरल फीचर्स। नेचुरल और कल्चरल फीचर्स से जो रिलेटेड जो पैटर्न है उनका आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी माउंटेन्स की, राइट? हमने आइडेंटिफाई करा कि साहब यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिमालयंस क्या है, माउंटेन हिमालयन जो माउंटेन्स हैं, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं कल्चरल पैटर्न के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो एक जो लोग रहते हैं बेसिकली उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, वो किस तरह से उनका अपना एक सोशल कल्चर है, ठीक है। सोसाइटी कैसी है उनकी एग्जैक्टली हम देखेंगे, वहां पर स्कैटर्ड सोसाइटी मिलेगी हमको और ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जिसमें जो ज्यादातर एग्रीकल्चर जैसी प्राइमरी एक्टिविटी में लगे होंगे, राइट? तो इस तरह से ये कल्चरल फीचर का आइडेंटिफिकेशन करना हो गया, ठीक। दूसरा वेयर, कहां पर है। अब हमने बात करी कि माउंटेन्स हैं हिमालयाज में, अब हिमालयाज भी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही लोकेटेड है, कोई ये तो नहीं है कि वो अरेबियन सी के अंदर हैं या फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर हैं, या अगर हम बात करें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तो वो भी अपनी अपनी जगह पर लोकेटेड है, राइट? तो वो कहां पर है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स। यानी कि प्लेन्स हैं इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के नक्शे को थोड़ा सा बना के एक बार उसको अगर हम उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से वो ऐसे करके हमारी इंडिया का नक्शा जा रहा है, तो यहां पर आते हैं हिमालयास, तो हम हिमालय टर्म में बात करेंगे। यहां पर हमारे ऑब्वियसली हिमालयास का मतलब माउंटेन्स है, यहां आ जाता है हमारा प्लेन वाला इलाका, यहां पर प्लेन्स आ रहे हैं हिमालयास के जस्ट नीचे, ठीक है। तराई वाला इलाका, तराई के जस्ट नीचे हमारे प्लेन्स आ गए। जब वेयर की बात करेंगे तो प्लेन्स हमारे यहां पर नीचे हैं, यहां पर लोकेटेड हैं, दैट इज हिमालयास के नीचे, यहां हिमालयास है, यहां प्लेन्स हैं और यहां हमारा प्लेटो है जो कि दक्षिण का पठार बोलते हैं ना उसको, हम दक्षिण का पठार डेकन प्लेटो, राइट? तो ये वाला जोन हो गया हमारा डेकन प्लेटो का। तो अब बात आती है कि क्या है, हिमालय है कहां पर है, प्लेन्स के ऊपर है, क्या है, प्लेन्स है कहां पर है, हिमालयास के नीचे है, डेकन प्लेटो के ऊपर है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे क्यों है। लास्ट में सवाल आता है, जैसे मैंने आपको आप लोगों को पहले बताया था कि कॉजल रिलेशनशिप चलता है इसमें, कॉजल रिलेशनशिप है ना, हर एक चीज के पीछे जो है कॉजल इफेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं उसका कॉज ढूंढ करके उसका इंपैक्ट क्या है उसके बारे में नॉलेज है ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो वाई, ऐसा क्यों है कि यहां पर हिमालय है, ऐसा क्यों है कि यहां पर प्लेन्स है, ठीक है। अब हिमालय यहां पर इस वजह से, जैसे कि आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा अपने अपनी क्लासेस में भी, या प्रोबेबली प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, जो हम आगे जा करके इस पर्टिकुलर बुक में और जो चैप्टर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। खैर मैं आपको एक छोटे तौर पर बताता हूँ, हमारी जो इंडियन प्लेट है उसका मूवमेंट इस तरीके से है, वो नॉर्थ ईस्टर्न दिशा में ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा, ऊपर से यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, तो वो आपस में टकराने की वजह से यहां पर हिमालयास का उदय हुआ। ये हम इसको बोलते हैं ना फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स वहां पर होते हैं जहां पे दो प्लेट्स टकराती हैं आपस में, ठीक है ना, इनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट। ये वहां पर मिलते हैं जहां पर की दो प्लेटें आकर के आपस में टकराती हैं, यहां पर यूरेशियन प्लेट है ऊपर और यहां पर हमारे नीचे ये इंडियन प्लेट है। अब ये दोनों आपस में टकराए तो टकराने की वजह से, जैसे हम देखें कि कहीं पर हम अगर एक चीज को नीचे की तरफ ढकेलेंगे तो दूसरी चीज अपने आप ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। तो बिल्कुल उस तरीके से हिमालयस का उदय हुआ। अब हिमालयस से जो भी नदियां बहकर के नीचे आई तो वो अपने साथ में हिमालयस को इरोड करके, उनका रॉकी मटेरियल इरोड करके, उनको मिट्टी बनाकर के नीचे लेकर के आती चलेगी। यहां पर डिप्रेशन था उसको उन्होंने फिलअप कर दिया, यहां पर प्लेन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्यू का जवाब जो मांगता है, ये क्यू जो है ये वाई है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन। जो ये थ्री सेट ऑफ क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाई है, कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये अल्टीमेटली डिस्क्राइब करता है
जिसके लिए ज्योग्राफी बनी हुई है, यानी कि ज्योग्राफी के थ्रू हम जो चीज समझते हैं कि अगर यहां पर ऐसा है तो क्यों है। फिजिकल और ह्यूमन कोरिलेशन अल्टीमेटली ज्योग्राफी से इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आता है।